जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बेहद कारगर और बेहद लाभकारी है। फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी एक प्रकार का खनिज है जो प्राकृतिक रूप में पत्थर की शक्ल में मिलता है। इस पत्थर को एल्यूनाइट कहते हैं दोस्तों। इससे परिष्कृत फिटकरी तैयार की जाती है। नमक की तरह है, पर यह सेंधा नमक की तरह चट्टानों से मिलती है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी लाल पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है दोस्तों। फिटकरी लाल व सफ़ेद दो प्रकार की होती है। अधिकतर सफ़ेद फिटकरी का प्रयोग ही किया जाता है। यह संकोचक यानी सिकुड़न पैदा करने वाली होती है। फिटकरी में और भी बहुत गुण होते हैं। दुनिया के लोगों को इसका ज्ञान तकरीबन 500 से ज़्यादा वर्षों से है दोस्तों। इसे एलम भी कहते हैं। पोटाश एलम का इस्तेमाल रक्त में थक्का बनने के लिए किया जाता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के बाद इसे चेहरे पर रगड़ते हैं ताकि छीले कटे भाग ठीक हो जाएं। इसके कई तरह के औषधीय उपयोग हैं। आज हम आप सभी को इसके औषधीय गुणों को बताएंगे दोस्तों, जिससे कि आप लाभान्वित होंगे दोस्तों। फिटकरी के लाभ। कुकुर खांसी। जी हाँ, यह बीमारी बच्चों को अधिकतर होती है। इसमें इतने जोर की खांसी उठती है कि बच्चे को वमन तक हो जाती है, यानी कि उल्टियां तक हो जाती हैं। ऐसी हालत में फिटकरी भस्म एक रत्ती, प्रवाल पिष्टी आधी रत्ती, ककड़ी सिंगी चूर्ण दो रत्ती में मिलाकर शहद के साथ देने से फायदा होता है दोस्तों। यह भस्म विषनाशक है, अतः सभी प्रकार के विषों पर इसका प्रभाव होता है। आधा ग्राम पीसी हुई फिटकरी को शहद में मिलाकर चाटने से दमा और खांसी में बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। टॉन्सिल की समस्या होने पर एक गिलास गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी, चुटकी भर हल्दी चूर्ण और एक चम्मच नमक डालकर गरारे करें। इससे टॉन्सिल की समस्या में जल्द ही आराम मिल जाएगा दोस्तों। बिच्छू के विष, सांप के काटने पर फिटकरी का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, तत्काल काटे हुए सर्प के रोगी को फिटकरी भस्म एक मास से 5 तोला घी में मिलाकर पिलाने से कुछ देर के लिए विष का वेग आगे न बढ़कर रुक जाता है दोस्तों। बिच्छू के विष में भी 1 तोला फिटकरी को 5 तोला गर्म पानी में मिलाकर रुई के फाहा से काटे स्थान पर इस पानी को बार बार रगड़ने से बिच्छू का विष दूर हो जाता है दोस्तों। चोट लगने पर असरदार इलाज। जी हाँ, फिटकरी को चोट या घाव लगने पर इस्तेमाल करें। फिटकरी का पानी लगाने से घाव से सूखे यानी कि खून बहना बंद हो जाएगा, तथा घाव पर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है दोस्तों। पसीना आने की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को शरीर से ज़्यादा पसीना आने की समस्या हो, तो वो लोग नहाते समय पानी में फिटकरी को घोलकर नहाने से पसीना आना कम हो जाता है। अगर ऐसे लोग यानी कि जिनको पसीना ज़्यादा आता है वो फिटकरी का पानी डालकर नहाते हैं, यानी कि पानी में फिटकरी को डाल करके मिक्स कर लेते हैं दोस्तों और उससे नहाते हैं, तो उनको पसीना आना बंद हो जाता है। फिटकरी को नहाने के पानी में घोलकर प्रयोग करने से खुजली और शरीर से बदबू आना बंद हो जाता है। यदि चोट या खरोंच लगकर घाव हो गया हो और उससे खून बह रहा हो, तो घाव को फिटकरी के पानी से धोने के बाद उस पर फिटकरी का चूर्ण बुरकने से खून बहना बंद हो जाता है। 1.5 ग्राम फिटकरी पाउडर को फाँक कर ऊपर से सादा अथवा हल्दी युक्त दूध पीने से चोट दर्द दूर हो जाता है। फिटकरी को तवे पर डालकर गर्म करके राख बना लें। इसे पीसकर घावों पर बुरका जाए तो घाव ठीक हो जाता है दोस्तों। घावों को फिटकरी के घोल से धोएं व साफ करें। 2 ग्राम भुनी हुई फिटकरी, 2 ग्राम सिंदूर
और 4 ग्राम मुर्दा संग लेकर चूर्ण बना लें। 120 मिलीग्राम मोम और 30 ग्राम घी को मिलाकर धीमा आंच पर पका लें। फिर नीचे उतारकर उसमें अन्य वस्तुओं का पीसा हुआ चूर्ण अच्छी तरह से मिला लें। इस तैयार मलहम को घाव पर लगाने से सभी प्रकार के घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, फिटकरी, सज्जी छार और मदार का दूध, इन सबको मिलाकर पीसकर लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाने से जलन और दर्द दूर होता है। भुनी हुई फिटकरी को छानकर घाव पर छिड़कने से घाव से सड़ा हुआ मांस बाहर निकल आता है और दर्द में आराम रहता है। आग से जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव को ठीक करने के लिए पुरानी फिटकरी को पीसकर दही में मिलाकर लेप करना चाहिए। इसके साथ साथ दांतों के रोगों को भी दूर करती है फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी और काली मिर्च पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांतों का दर्द गायब हो जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करें, इससे दांतों के कीड़े तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती है। फिटकरी और काली मिर्च की बराबर बराबर मात्रा पीसकर दांतों के जोड़ों में मलने से दांतों के दर्द में काफ़ी लाभ होता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों फिटकरी। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर, एक और नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।